7, chapter 6, the triangle and its properties. We were reading exercise 6.4. Question 4 is ABCD is a quadrilateral. Means ABCD क्या है? एक quadrilateral है. और अपन को find क्या करना है? क्या means इन चारों का plus, ये जो 4 side है, इन चार का plus greater है AC plus BD के 2 side के. अभी देखिए AB plus BC plus CD plus DA. AB प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, ये साइड यहाँ पे गिवन है और इनका प्लस ग्रेटर होना चाहिए ए सी और बी डी. ए सी एंड बी डी और यहाँ पे ए सी और बी डी क्या है? डायगोनल्स है. ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल होते हैं, जो एंगल को इस तरीके से लाइन से बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स. ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये टू डायगोनल्स. ठीक है, तो इन दो फोर साइड का प्लस ग्रेटर होना चाहिए इन दो डायगोनल के प्लस के. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए इसमें कितने डायगोनल बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं. अब इसे देखिए, ये वाला डायगोनल अपन ने बनाया बीडी, तो इससे ये वाला ट्रायंगल और इससे ये वाला ट्रायंगल, टू ट्रायंगल तो ये हो गए. देखिए इस तरीके से ये अपन ने क्वाड्रिलेटरल बनाया. ठीक है, जैसे कि बुक में गिवन है. ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये डायगोनल. अब यहाँ पे ए बी सी डी जैसे बुक में है वैसे ही अपन राइट करते हैं, ए बी सी डी. ठीक है, वन डायगोनल से टू ट्रायंगल बन रहा है. कौन सा बन रहा है? ए बी डी. ए बी डी बन रहा है एक तो. ठीक है, ए बी डी एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है? बी सी डी. ट्राइंगल बी सी डी, समझ जाए, इस ट्राइंगल से टू ट्राइंगल बन रहा है. अगर मैं इसमें एक और डायगोनल बना दूं, ठीक है, ये डायगोनल बना दूं, तो यहाँ पे अब इस डायगोनल से, सिर्फ डायगोनल को देखना, ये हाफ हाफ नहीं देखना, पर सिर्फ डायगोनल से देखना है. इस डायगोनल से ये वाला ट्राइंगल मीन्स ए बी सी, ए बी सी, और एक और कौन सा, एक इस साइड वाला हो गया, और इस डायगोनल से इस साइड वाला ए सी डी, ए सी डी. ठीक है, ये फोर ट्राइंगल बन रहा है. इन्हीं फोर ट्राइंगल में लेना है अपन को और टू साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेटर करना है. गॉट इट? मींस अपन ने ए बी डी लिया, ए बी डी जो फर्स्ट साइड था. ठीक है, ये तो ए बी और ए बी और क्या रहेगा? बी सी. ठीक है, अगर इसमें लेंगे तो ए बी प्लस ए डी किसके ग्रेटर हो गया? BD के. ठीक है, मैं कंडीशन लिख के बता रही हूँ. अगर अपन इसमें लेंगे ABD में, ABD में तो इन टू साइड का प्लस AB और AD, AB और AD दोनों का प्लस किसके ग्रेटर होना चाहिए? AB और AD अपन सिर्फ इसमें ले रहे हैं. ठीक है, तो किसके ग्रेटर होगा? BD के. BD के बात आ रही समझ में? इसी तरीके से अपन फोर ट्राइंगल में लेंगे. ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने लिया ए बी सी. अब कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते हैं. ठीक है, पहले कुछ भी राइट कर सकते हैं. फोर ट्राइंगल जो मैंने लिए हैं, वन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है. आप इन चारों में से कोई भी वन पहले ले सकते हैं. ठीक है, जरूर नहीं जो मैंने ये लिया रखना नहीं है. ठीक है, समझना है. अब यहाँ पे मैंने पहले ले लिया ए बी सी. अब डायग्राम में देखिए ए बी सी कहाँ पे है? ए बी सी ये ट्राइंगल. ठीक है, सिर्फ ये ट्राइंगल देखिए मैं बना के दिखा रही हूँ. इस तरीके से इसमें देखते जाइए, ये इस तरीके से, ये जो लाइन बनी है ये लाइन और ये इस तरीके से बना. यहाँ पे सी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ए है. अब ये देखिए, ये अपना जो डायगोनल है, अब इन दोनों का प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके ग्रेटर होगा? जो थर्ड साइड है, इन दोनों का प्लस इनका और इसका, इन दोनों का प्लस इसके ग्रेटर होना चाहिए. तो बची कौन सी? ए सी. ठीक है, वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, अब समझ आया, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी. ये जो मैंने बताई हुए थे ना फोर ट्राइंगल बना के इसमें समझाकर, इन्हीं में से कोई भी आप पहले ले सकती हैं. ठीक है, पहले मैंने ये ले लिया था. ओके, ना नेक्स्ट क्या है? ए डी सी. अब ए डी सी देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए डी सी. अब इतना देखिए, सिर्फ इतना. ठीक है, टू साइड कौन कौन सी है यहाँ पे? ए डी और डी सी किसके ग्रेटर होगा? ए सी. ठीक है, जो मैंने बोला है वही राइट कर रही हूँ. ए डी प्लस डी सी
किसके ग्रेटर? एसी। क्वेश्चन सेकेंड, नाउ नेक्स्ट डीसीबी, डी सी बी आप लोग मन से कोई भी पहले ले सकते हैं, ए बी सी और ए डी सी एक दो बन रहे हैं, और डी सी बी और ए बी डी ये दो बन रहे हैं। अब अपन ने कौन सा वाला लिया है? डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, जब आप लोग राइट कर उनको अलग से राइट करके देख लें ट्राइंगल को, तभी आप लोगों को अच्छे समझ आएंगे। ठीक है, अब ये देखिए अपन ने इस ऊपर वाले ट्राइंगल में इस तरीके से लिया है, ये यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, इस तरीके से आप लोग बना के देखना। अब इन दो साइड का प्लस, डी सी और बी सी इनका प्लस, अभी थर्ड साइड है, इन टू साइड का प्लस थर्ड साइड के ग्रेटर होगा डी बी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये देखिए डी सी प्लस सी बी ग्रेटर देन डी बी, क्वेश्चन थर्ड। ओके, नाउ ए डी बी, ए डी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी इसमें लिया है तो किसके ग्रेटर होगा? डी बी के, तो डी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये फोर इक्वेशन अपने पास आ गई है, इन फोर इक्वेशन क्या करना, ऐड करना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वी के। अभी देखिए मैंने बताया था कि जो राइट पार्ट है उसको राइट पार्ट में प्लस करेंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट में है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, उनको इस तरीके से प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट पार्ट में है, ये देखिए ये दोनों ए बी प्लस बी सी, ए डी प्लस टी सी और डी सी प्लस ए बी, ए डी प्लस ए बी, ये किस पार्ट में है? ये अपने राइट पार्ट में, तो राइट साइड में प्लस करेंगे ए बी प्लस, पहले इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ठीक है, देखते जाइए, ए बी, ए बी प्लस बी सी। अब इसके प्लस में और क्या है, मीन्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं लिया ना, ये अपन को राइट साइड में प्लस करना है, पहले जो लेफ्ट लेफ्ट में पहले उनको प्लस करेंगे, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी प्लस। अब सेकेंड क्वेश्चन हो चुकी, अब थर्ड में कौन सा है लेफ्ट में? डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी प्लस। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ए डी प्लस ए बी, ए डी, ए डी प्लस ए बी। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज सी। ओके, और थर्ड क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन का लेफ्ट पार्ट। अब यहाँ पे अपन को लगाना है ग्रेटर देन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो अब राइट साइड में, राइट साइड में क्या क्या है, ए सी, ए सी डी वी डी वी, ठीक है, तो ए सी प्लस ए सी डी वी प्लस डी वी, ए सी प्लस ए सी प्लस डी वी प्लस डी बी। ओके, तो ये क्वेश्चन अपन ने प्लस कर दी हैं, तो अब देखना है इनका प्लस किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना, इन क्वेश्चन को राइट करना अच्छे से आगे कि ऐड कैसे करना है। ठीक है, अब ये देखिए ए बी और ए बी टू टाइम है अपने पास, तो ए बी प्लस, ध्यान से देखना, अगर टू टाइम है तो ए बी प्लस ए बी, एक ब्रेकेट में ये वाला ए बी और ये वाला ए बी प्लस। अब ये देखते हैं बी सी, बी सी कहीं दिख रहा है क्या, ये देखिए बी सी हो, सिर्फ अपन को राइट पार्ट में देखना है, सॉरी लेफ्ट पार्ट में, ये राइट पार्ट को वो अलग है, ये लेफ्ट पार्ट में देखना है, कोई से साइड टू टाइम तो नहीं आ रही। ठीक है, यहां से लेके यहां तक बी सी देखना है। अभी देखिए सी बी है, सी बी हो या बी सी हो बात देखिए, मीन्स ये टू टाइम है, तो राइट कर देंगे बी सी प्लस बी सी। ठीक है, आप लोग पेंसिल से कट कर सकते हैं इनको ताकि समझ आ जाए। अब नेक्स्ट क्या है, ए डी, ए डी देखिए, अब देखना ए डी ये है और ए डी है, टू टाइम है, प्लस लगाया ए डी प्लस ए डी, अब नेक्स्ट टाइम और प्लस लगाया यहाँ पे, अब डी सी, डी सी और डी सी टू टाइम है, तो राइट कर देंगे डी सी प्लस डी सी। ठीक है, इतनी ये टू टू टाइम के सारे कंप्लीट, अब है अपने पास ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में टू ए सी है, टू डी वी है, टू ए सी मीन्स टू ए सी मीन्स टू टाइम ए सी, बात आई हमारे, प्लस टू ए डी, टू ए डी मीन्स टू टू टाइम है, तो इसमें राइट करेंगे टू ए डी। अगर ये भी टू है तो इनको भी टू टाइम अपन को इस तरीके से राइट करना पड़ेगा, टू ए बी है तो टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए डी
प्लस टू डी सी, टू टू टाइम है ना, इसलिए ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू ए डी। इन चारों में टू कॉमन आ रहा है, ये टू, ये टू, ये टू और ये टू, जो लेफ्ट पार्ट है इसमें टू कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो टू कॉमन ले लेंगे। टू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी, यहाँ पे क्या बचा बी सी, प्लस यहाँ पे क्या बचा ए डी, यहाँ पे डी सी, ओके, ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी टू, इसमें भी टू कॉमन आ रहा है क्योंकि इन दोनों में भी टू है, क्या बचा यहाँ पे, टू कॉमन ले लिया तो ए सी प्लस ए डी, ओके। अब ये जो कॉमन आ रहा है तो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी, और अपन इसको कंटिन्यू राइट कर देंगे डी सी ए बी बी सी सी से डी, मीन्स ये जो सी डी बन रहा है प्लस ए एंड डी डी ए, ठीक है, ए डी को डी ए, मीन्स कंटिन्यू ए बी बी सी सी डी और डी से डी ए, ठीक है, यही जो चारों लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ए सी प्लस बी डी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो आ रहा है, ये देखिए आ गया ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था तो ये प्रूफ हो चुका। तो यहाँ पे अब राइट कर देंगे हैंस इट इज ट्रू, मीन्स ये कंडीशन ट्रू, ओके, क्वेश्चन फोर कंप्लीटेड।